का मौसम देखिए, मॉर्निंग से ही बादल लगी हुई है, कभी भी बारिश हो सकती है। और आज ना हमें मार्केट का बहुत सारा काम था, बट जा नहीं सकते हैं, ऐसे मौसम में कभी भी बारिश हो सकती है। और खुले मार्केट में ना भीगने का बहुत चांस रहता है। अगर मॉल का काम रहता तब तो हम चले जाते, बट खुले मार्केट का है ना, जो मतलब लोकल मार्केट जो होता है ना, वहाँ का काम है। तो ऐसे मौसम में अगर बारिश आएगी तो हम भीग जाएंगे, इसलिए नहीं जाएंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, आज मैं बहुत लेट से अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ और गुड मॉर्निंग का ही टाइम है, जैसे मैं गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ। और आज का वेदर जैसा दिखाई ना, देखिए बादल और चढ़ गया ऊपर, तो मौसम जो है ना बहुत भयानक हो गया है। और ऐसे मौसम में ना जो मेरा घर है ना अंधेरा हो जाता है, मेरा क्या सबका घर अंधेरा हो जाता है, तो लाइट वाइट ऑन करती नहीं हूँ क्योंकि दिन का टाइम है तो जरूरत नहीं पड़ती है। तो आज मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज मैं कुछ स्पेशल रेसिपी बनाने जा रही हूँ, तो मैं सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। और जो बिहार के हैं ना, उन्हें तो ये रेसिपी अच्छी तरीके से आता होगा, बट जो बिहार से बाहर से हैं तो उनके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा। और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है, और ये जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रेसिपी है। और जो वेजिटेरियन है उनके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, आप इतना स्किप कर देना अगर ब्लॉग देख रहे हो तो। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ना कैटफिश करी, बहुत टेस्टी बनाती हूँ, मतलब डिमांड है मेरे कैटफिश करी रेसिपी का, तो मैं सोच क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो आज मैं जब भी नॉनवेज बनाती हूँ खुद बनाती हूँ, और आज हॉस्टल पर को छुट्टी देती हूँ क्योंकि आज है सैटरडे और सैटरडे को छुट्टी रहता है हस्बैंड का, तो मैं खुद ही खाना बनाती हूँ। तो चलिए, बहुत सारी बातें होगी, अब स्टार्ट करते हैं काम और फटाफट लंच बनाते हैं। और आज मुझे पूजा करना नहीं था इसलिए मैं ब्रेकफास्ट कर दी हूँ, आराम से उठी हूँ क्योंकि छुट्टी के दिन में ना आराम से उठती हूँ, आराम से सब कुछ होता है हमारे यहाँ, तो ब्रेकफास्ट ही सब कर दी हूँ। और अभी लंच बनाऊँगी, उसके बाद मैं सावर लूँगी, क्योंकि सावर देने जाऊँगी ना तो लंच में लेट हो जाऊँगी। और मौसम तो कुछ ज़्यादा ही भयानक हो गया यार, बहुत तेज़ बारिश आने वाली है। अरे वहाँ ये देखो कितना वो हो रहा है, किसी के यहाँ कुछ आग वाग लग गई क्या? बट सायरन बजानी है, ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा, कुछ खाना ये सब बन रहा होगा ना, स्मोक वाला उसका ही आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग। यहाँ कुछ ऐसा आग वाग का होता तो सायरन बन चुका होता अभी तक। और यहाँ देखो साथ साथ में मैं अभी एक ब्लॉग पब्लिश करी हूँ ना, वो भी चला के छोड़ दूँ, लाइट भी गई है। लो यार अब कैसे मेरा खाना बनेगा, मछली बनाना है ऊपर से, पहले तो गेट सबको बंद कर लूँ, मछली बनाना है, मसाला भी नहीं वो बनाई हूँ, इसको अंदर कर देती हूँ क्योंकि आंधी तूफान आने वाला है, बंद कर दिया जाए क्योंकि ना बहुत तेज आंधी आने वाली है। आ गई, आ चुकी है आंधी, मेरा सब गेट खुला हुआ है, सुबह को खोल देती हूँ, थोड़ा सा बाहर का हवा आ जाता है इसीलिए। तो बाहर का मौसम तो बहुत ही सुहाना हो गया है, बट आंधी जो आई है ना वो बादल को उड़ा देगा और बारिश नहीं होगी। तो मैं आ गई हूँ यहाँ लंच की प्रिपरेशन में, तो यहाँ बनाऊंगी मैं जैसे आप लोगों को बताई कि कैटफिश करी बनाऊंगी, तो उसके लिए मैं मसाला बना रही हूँ। और यहाँ मैं ब्लॉग पब्लिश करी हूँ तो हस्बैंड की आईडी से मैं चला के छोड़ देती हूँ यहाँ, ताकि अपना चलता रहे और व्यू भी बढ़ता रहे। और यहाँ कढ़ाई में ले रही हूँ मैं मस्टर्ड ऑयल, इसे अच्छी तरीके से गर्म होने के लिए छोड़ दी हूँ। और ये कैटफिश में मैं डाल दी हूँ लहसुन का पेस्ट, और डाल दी हूँ हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, और को मैं अच्छी तरीके से मैरिनेट कर दूंगी। तो बस ऑयल अच्छी तरीके से हीट हो गया है, और इसमें मैं अब फिश को फ्राई होने के लिए लगा दूंगी, और इसे मैं ढक ढक के पकाऊंगी क्योंकि कैटफिश जो है ना बहुत चटकता है, अगर ढक के नहीं पकाओगी ना तो आपका फेस भी जल सकता है, हाथ पैर भी जल सकता है, और वो आल तो खराब होगा ही होगा, इसलिए इसे ढक के पकाना चाहिए। तो मैं इसे ढक दी हूँ, और तो जब तक फिश फ्राई होगा कर दूंगी मसाले की तैयारी। तो थोड़ा ज़्यादा सा मैं लहसुन का पेस्ट ले रही हूँ, हाफ अनियन ली हूँ, अनियन जितना कम डालें उतना अच्छा ये मछली बनेगा, और थोड़ा ज़्यादा सा सरसों ले रही हूँ मैं, और इसे मैं अच्छी तरीके से धो के पानी में डाल दी हूँ फूलने के लिए। और डाल दूँगी सारे बेसिक मसाले, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, गर्म मसाला, और थोड़ा सा जीरा डाल दूँगी, थोड़ा सा काली मिर्च डाल दूँगी, और डाल दूँगी ये थोड़ा सा काली मिर्च, आप अपने हिसाब से डालिए कितना खाना चाहते हैं, मतलब तीखा हो जाता है ना इसलिए अपने हिसाब से डालो। और थोड़ा सा डाल दूंगी मैं इलायची, ये सॉरी दालचीनी का ये टुकड़ा, और पानी डाल दूंगी और इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर दूंगी। और मछली का मसाला जितना पतला होता है ना मछली उतना ही अच्छा बनता है। तो ये देखिए तब तक मेरी फिश जो है ना वो फ्राई हो गई है, और इसे थोड़ा कड़क करके ना फ्राई करना है, नहीं तो ये टूटता है।
तो इस फिश में ना जितना आप ज़्यादा सरसों डालोगे और लहसुन डालोगे उतना ही अच्छा ये फिश बनता है। तो जितना मछली बनाओगे ना उसके हिसाब से थोड़ा ज़्यादा सरसों थोड़ा ज़्यादा लहसुन डालो, बहुत अच्छी मछली बनती है ये। तो आप लोगों से जो भी इस चैनल पे न्यू होंगे, अगर मेरी ब्लॉग थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। और आप लोग उनसे कौन कौन कैटफिश खाए हो और कौन कौन नहीं खाए हो, क्योंकि ना बहुत सारे ऐसे होते हैं ना जिन्हें कैटफिश अच्छा नहीं लगता है, तो कभी आप लोग इस तरीके से कैटफिश करी बना के देखना, बहुत अच्छी बनती है। मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है ये मछली, और आजकल ना हम लोग ज्यादा यही खाने लगे हैं। अगर आप ये मसाला सिलबट्टे पे बनाते हो ना तो फिश जो है ना और टेस्टी बनता है, बट मेरे पास सिलबट्टा है नहीं, इसे मैं मिक्सी में ही इसको ग्राइंड कर दूँ। और जितना पतला मसाला रहेगा ना फिश का, फिश उतना ही अच्छा बनता है। तो बस खाना बनाते टाइम ना छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, जिससे खाना और भी टेस्टी बन जाता है। तो मेरी तो हैबिट है कि मैं कुछ भी काम करती हूँ ना तो साथ के साथ क्लीनिंग भी कर देती हूँ। तो जैसे मैं अभी मसाला बनाई हूँ तो बस साथ के साथ मैं इसको मिक्सी को भी साफ़ करके रख दूँगी। तो सारी फिश को मैं फ्राई करके निकाल रही हूँ, और सेम ऑयल में 2 सूखी मिर्ची डाली हूँ, 2 तेज़पत्ता डाली हूँ और 5 फ़ोरन डाली हूँ, और जो मसाला बनाई थी फिश के लिए उसे मैं डाल दी हूँ। और इसे अच्छी तरीके से चला के धीमी आँच पर पकने दूँगी। तो धीमी आँच पक चुका है और इसमें मैं टमाटो डाल दूंगी। आप चाहो तो काट के भी डाल सकते हैं, मुझे ऐसे तोड़ के डालने में अच्छा लगता है इसलिए मैं ऐसे तोड़ के डालती हूँ, और स्वाद अनुसार नमक डालती हूँ। और इसे कुछ देर धीमी आंच पे पकने दीजिए, जैसे ऑयल सेपरेट हो जाए वैसे हम इसमें डाल देंगे पानी, और जितना ग्रेवी चाहिए आप उतना पानी डाल दो, और पानी चाहो तो गर्म भी डाल दो। तो गर्म डालोगे ना तो और अच्छा रहेगा, मैं तो ठंडा ही पानी डालती हूँ क्योंकि मटन में गर्म पानी चाहिए, फिश में ठंडा पानी भी चल जाता है। और मेरा फिश देखो फ्राई होकर थोड़ा सा कड़क करके फ्राई करी हूँ कि टूटे नहीं ग्रेवी में, और ग्रेवी में एक बॉइल्ड आने के बाद सारे फिश को मैं इसमें डाल दूंगी। और सो गाइस ये फिश में रख दी क्योंकि ना ज्यादा हो जाता है इसलिए मैं इसको छोड़ती हूँ। अभी बस ये बनाऊंगी तो ताजा खाना होगा, तो अभी खाऊंगी और रात को खाऊंगी। और ये बना लेती ना तो ये फिर कल मुझे खाना पड़ता, तो कल इसे मैं फेस बनाऊंगी, इसे मैं इतना रखती ज्यादा फिश था। तो अभी कुछ देर में हाई फ्लेम पे पकाऊंगी, उसके बाद एकदम से स्लो करके छोड़ देना है फ्लेम को, क्योंकि स्लो फ्लेम पे पका हुआ खाना ना बहुत टेस्टी बनता है, और फिश करी खास करके बहुत अच्छा बनता है। तो बस कुछ देर स्लो फ्लेम पे पकाऊंगी, उसके बाद इसे मैं बंद कर दूंगी, और साथ के साथ मेरी क्लीनिंग चलती रहती है क्योंकि ऑयल पूरा आ जाता है। अभी ढक ढक के पकाई हूँ फिर भी पूरा किचन में ऑयल ऑयल हो गया है, जब भी फिश करी बनाओ ना यार ऑयल तो हो ही जाता है। तो साथ के साथ मेरी क्लीनिंग भी चलती रहती है ताकि एक ही बार बहुत भारी ना हो जाए मेरी क्लीनिंग। तो जो बचा हुआ था उसको मैं फ्रिज में डाल दूंगी क्योंकि इसे मैं कल यूज करूंगी। सावर देखिए आ गई हूँ, और आज देखिए मैं कौन सा ड्रेस पहनी हूँ। ये जो स्कर्ट पहनी हूँ ना ये मेरा बहुत ही ओल्ड स्कर्ट है, और ये टॉप यार मैं जब से खरीदी हूँ ना परेशान हूँ इस टॉप को खरीद के, मुझे ना बहुत अच्छा लगा था बट इसकी फिटिंग जो है ना पता नहीं, मैं स्मॉल साइज दी हूँ बट फिर भी ना मुझे लूज हो रहा है ये टॉप। और ये स्कर्ट देखो मुझे ना बहुत पसंद, मतलब बोलते हैं ना फेवरेट स्कर्ट हो ना, ये मेरी फेवरेट स्कर्ट है। तो आज मुझे मन किया स्कर्ट और टॉप पहनने का, तो मैं ये पहन ली हूँ। और टॉप आप लोग को कैसा लग रहा है, मैं अमेज़ॉन से ली हूँ बट ना इसकी फिटिंग ना मुझे बहुत सही नहीं लगी, तो मैं अब खरीद तो ली थी उसको ना एक्सचेंज में डाली ना कुछ तो रखना पड़ा, इसलिए मैं पहन लेती हूँ। बट इसका नेक जो है ना वो अच्छा नहीं है, तो मैं गाइस मेरा सावर देना हो गया और हेयर वॉश करती हूँ ना तो बहुत टाइम लग जाता है हेयर को ड्राई होने में। हेयर वॉश करना ना बहुत बहुत है, नेक टॉप कम है वो है टॉवल में वही छोड़ दी। चलिए खाना खा लें, कहाँ खाएंगे यहाँ क्यों, हाँ उस रूम में यही टीवी देखते हैं ना, चलो कहाँ खाना खाएंगे, खाना खाना टीवी ऑन कर लीजिए। चलिए मैं सावर देखे आ गई हूँ, मुझे अब करना है लंच।
चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को मेरा बिहारी फिश करी कैसा बना है। बहुत ही यम्मी सा बना है। चलिए मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आप लोगों को। स्किन दुग्लो करने लगा मेरा वो हुआ था ना डेंगू, उसके बाद स्किन पूरा ही खराब हो गया था। हेयर को मैं ऐसे ही पिन लगाती हूँ, ड्राई नहीं हुआ है और मुझे भूख लग गई है। तो ये रही मेरी फिश करी, ये बहुत अच्छी बनी है, ये देख सकते हो। तो गाइज आप लोग भी ना ये फिश करी जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छी बनती है। बहुत ही जितना प्याज कम दो ना उतना ही टेस्टी बनता है। तो चलिए हम लोग लंच कर लेते हैं, फिर बातें करती हूँ। बाय, तब तक के लिए। रॉकी एंड रानी मूवी चल रही है और यहाँ लंच कर रहे हैं। चलिए लंच कर देती हूँ, फिर बातें करती हूँ आप लोगों से। बेचारे को तो मिलने वाली है नहीं। चलिए लंच कर देती हूँ, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। तो फिश करी बहुत ही टेस्टी बना था और लंच करने के बाद ना कुछ देर रेस्ट करी हूँ और आ गई हूँ मैं फिर से अपना काम करने के लिए, क्योंकि 3 बज चुके थे। तो मुझे ना यहाँ इस ये जो है ना कारपेट, उसका ना शॉर्ट वीडियो बनाना था। तो मैं सोची चलो आप लोगों के साथ भी कारपेट शेयर कर दूँ, क्योंकि ना बहुत ही प्यारा कारपेट आया है। अगर आप लोगों को इसका लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसका लिंक डाल दूँगी। तो बस एक शॉर्ट वीडियो बनानी थी और आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कैसा कारपेट आया है। और इसमें प्लेन भी मिलेगा और इस तरीके का भी मिलेगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस एक वीडियो बनाई हूँ और इस कॉर्नर को थोड़ा बहुत डेकोरेट करी हूँ, जो कि मेरा फेवरेट कॉर्नर बन गया है। अब तो यहाँ बैठ के मैं कॉफ़ी भी पीती हूँ, चाय भी पीती हूँ और कुछ बुक अगर रीड करना होता है तो यहाँ बैठ के करती हूँ। तो ये कॉर्नर का जो है ना रील में फेसबुक पे भी डाली थी और अपने इंस्टाग्राम पे भी डाली थी, जो आप लोग बहुत पसंद किया और मुझे ना बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि आपने बहुत अच्छे से इस कॉर्नर को डेकोरेट किया है। और अभी अभी ये ड्रेस रिसीव करी थी और इसका मुझे एक शॉर्ट वीडियो बनाना था, तो मैं बना दी हूँ और लाइट के कारण ना पूरा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसका एक शॉर्ट वीडियो बनाना था, बना दी हूँ, जो मैं अमेज़न से ली हूँ। बहुत ही अच्छी सी ड्रेस है, क्योंकि शॉर्ट वीडियो रहता है तो उसमें कुछ टाइम लगता नहीं और बन गया है मेरा। और ये बट मुझे ना इसमें एक कमी लगी कि इसके साथ ना दुपट्टा नहीं है। तो अभी इसका बनाई हूँ, ये जो है ना मैट इसका बनाई हूँ, मैं शॉर्ट वीडियो बना ली हूँ। कुर्ती आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा। तो प्राइस मिली हूँ 799 में, तो मुझे इसमें ना थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा ये, क्योंकि ना इसके साथ अगर दुपट्टा होता तो चल जाता। कलर मुझे बहुत ही प्यारा लगा, तो मुझे कहीं जाना था ना इसलिए मैं ये कुर्ती ली थी, बट मैंने दूसरा कुर्ती ही वहाँ जहाँ गई थी वहाँ यूज कर दी। ये बस मुझे जो ये कढ़ाई है ना ये बहुत पसंद आई थी, इस कलर में ना ये कढ़ाई बहुत अच्छी लगती है, देख सकते ये कढ़ाई मुझे बहुत पसंद आई थी, तो इसी को देख के मैं ये ऑर्डर करी। बट तो चलिए मुझे जाना है बाहर और जो वीडियो शूट करना था वो सब हो गया है मेरा, अब निकलूंगी। एक्चुअली ना आज मैं इस कॉर्नर में बनाई हुई हूँ, क्योंकि ना बाहर देखोगे ना ये देखो धूप बिल्कुल ही नहीं है, तो धूप नहीं है ना तो मुझे थोड़ा सा ना लाइट का प्रॉब्लम होता है। और मेरा जो वो है ना रिंग लाइट वो खराब हो गया है, एक्चुअली मैं वीडियो शूट करी थी वो गिर गया और उसका जो वायर है ना वो टूट गया, तो खराब हो गया। और अभी तक मैं ऑर्डर कर ही नहीं हूँ, क्योंकि ना हॉल वीडियो इस समय जरूरत पड़ता है ये रिंग लाइट का, वैसे नॉर्मल मुझे जरूरत पड़ती नहीं है, इतना अच्छा लाइट है घर पे। तो अभी जैसे शॉर्ट वीडियो बना रही थी ना तो अभी लाइट का थोड़ा सा कमी लगा मुझे, जैसे धूप नहीं है तो उस टाइम में ना रिंग लाइट की कमी लगती है। तो देखती हूँ ऑर्डर कर दूंगी, बट अभी जरूरत नहीं लग रही है। हस्बैंड तो कब से बोल रहे हैं ऑर्डर कर दो, तुम्हें प्रॉब्लम होती है, बट मुझे जरूरत अभी लग नहीं रही है। तो चलिए आप लोगों को भी फुल व्यू दे देती हूँ इस कुर्ता सेट का। तो ये कुर्ता सेट ना ऐसे देखिए तो बहुत अच्छी है, बट इसके साथ दुपट्टा नहीं है ना इसलिए मुझे थोड़ी सी कमी लगी। और इसका जो मटेरियल है ना रियॉन है, तो अगर आप लोगों को लेना होगा किसी को, और इसमें बहुत सारे आपको कलर भी मिल जाएंगे। तो मेन जो इसका वर्क किया हुआ है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा और फिटिंग बहुत अच्छी है। तो अगर आप लोगों किसी को लेना होगा तो मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, जो लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो गए चलिए मेरा एक वीडियो शूट करना था, मैं शूट कर दी हूँ। और यही जो कुर्ती है ना देखिए इसका जो ये है ना वर्क बहुत ही प्यारा है, बट ना मुझे ना पसंद नहीं आई कुर्ती, क्योंकि ना इसके साथ जो मतलब प्राइस है ना 799 है, मतलब 800 है। तो बाहर का आज वेदर देखो,
धूप नहीं थी ना, इसी कारण मुझे वहाँ वीडियो शूट करना पड़ा है, और इस लाइट को भी ऑन करी थी वीडियो के लिए। लाइट रहती है ना तब तो ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, कहीं भी मैं वीडियो शूट कर देती हूँ जब धूप रहती है तो, और धूप नहीं रहने से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। और ये देखो इतना सारा ना यहाँ है जी, सबका मुझे बनाना था तो इसका तो अर्जेंट था इसलिए मैं इसका बना ली हूँ। और ये मैट इसका अर्जेंट था, ये दो था ना, इस दोनों का अर्जेंट था तो दो कमियाँ भी बना ली हूँ क्योंकि धूप में ना अलग ही तरह का। रेडी हो गए क्या? हाँ मैं रेडी हूँ, बस ड्रेस चेंज करना होगा। अच्छा नहीं लग रहा है ना ये कुर्ती, प्राइस के हिसाब से मुझे अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं मतलब जो मटेरियल है जो चीज़ है ना वो उसमें प्राइस बहुत ज़्यादा है इसीलिए। तो हमें अभी जाना है, मतलब ना मैं बहुत वो करती हूँ कि प्राइस ज़्यादा है तो उस हिसाब से मुझे मटेरियल मिलना चाहिए सब। रेडी होना तो हो जाइए, कपड़ा नहीं दी हूँ, हमें जाना है अभी मूवी देखने। और आज फिर कड़ी बनाई थी जैसा कि आप लोगों को बोले, तो थोड़ा सा बच गया है जो हम रात को खा लेंगे। देखो इतना यम्मी लग रहा है ना, तो देखते हैं रात को होगा तो हम डिनर उधर से ही करके आएंगे, नहीं तो फिश करी आई रोटी बना लेंगे। लगता है डिनर उधर उधर से ही करके आएंगे। मैं फिश करी जब भी बनाती हूँ ना ज़्यादा करके बना लेती हूँ क्योंकि फिश ना हम दोनों का ही फेवरेट है, तो डे टाइम में रोटी के साथ खा लेते हैं और नाइट में खा लेते हैं। ओ डे टाइम में चावल के साथ खा लेती हूँ और नाइट में खा लेती हूँ रोटी के साथ। थोड़ा थोड़ा हो रहा है ना क्या? हाँ अभी नहीं हो रहा है, बारिश होने लगी बस डे टाइम से ही ना, वेदर ना बहुत ही थोड़ी बहुत हुई है बारिश, उस टाइम में तो नहीं हुई थी। अच्छा लग रहा है ना वेदर। सो गाइस आज का वेदर बहुत ही अच्छा है और हम दोनों जो भजन वाइफ रहते हैं ना तो बालकनी में आके थोड़ा बहुत बातें करना अच्छा लगता है ऐसे वेदर में। तो बारिश तो जब बादल लगी थी तभी बारिश हुई नहीं, और आंधी तूफान आने के बाद जो बादल चली गई है तो अभी अब जाके बारिश होने लगी है। तो यहाँ मैं बोली हस्बैंड को एक फ़ोटो क्लिक कर देने के लिए, बहुत ही अच्छा सा फ़ोटो आया था यहाँ। और हम निकल रहे हैं अभी, क्या टाइम हो रहा है 5:36 किया जाना है शाम। तो हम जैसे ये मूवी देखने के लिए निकले वैसे ही बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई और ये बारिश लगता है होने वाली है। तो आज हम जा रहे हैं शाहरुख खान की मूवी देखने जवान, तो आप लोगों से कौन कौन जवान मूवी देखें और कैसी लगी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ और बारिश इतनी तेज़ हो रही है आज, ये देखो पूरा ही मैं वही देख रही इधर। अरे गाड़ी ओ अच्छा बोल गई, बहुत दिन हो गया ना कि यहाँ से निकल जाते हैं ना नहीं है। अरे बारिश हो रही है ना तो पूरा दिमाग घूम रहा है। गाड़ी हम यही रोड पे पार्क कर दिए हैं, पार्किंग यही है यहाँ का। और बारिश इतनी तेज हो रही है ना कि देखो हाल, और एकदम चलिए पहुँच गए कोई बात नहीं। 6:55 का शो है और टाइम सही है, अपन पहुंच गए हैं, बट मौसम बहुत ख़राब हो गया है बारिश हो के। इतना पानी पड़ा है, इतना हुआ है ना। कहाँ भागे जा रहा है, उतना जल्दी से चला मेरे से थोड़ा ना होगा, पूरा पैर गंदा हो गया मेरा।
इतनी बारिश हुई है, हालत देखो। मूवी हो गई खत्म और अच्छी मूवी थी, आप लोग भी देख सकते हो। तो हम आए थे यहाँ पे भी आर प्रिया बसंत कुंज, तो अब करेंगे हम डिनर, उसके बाद हम जाएंगे घर। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं अब यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों को अपने नेक्स्ट न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, थैंक्स फॉर वॉचिंग।